हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे और एकदम सेहतमंद होंगे। लास्ट वीडियो में आपने मेरे छोटे भाई की हल्दी एंड रिंग सेरेमनी का फंक्शन देखा था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी बड़ी भाभी का परोजन का फंक्शन और छोटे भाई की शादी का फंक्शन शेयर करूंगी। अगर आप लोग भी मारवाड़ी हो तो आप लोगों को पता होगा परोजन का फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली परोजन ना किया जाता है किसी की शादी में, तो बड़ी भाभी का परोजन हो रहा है, उनके दोनों बच्चे हैं। अगर इस टाइम पे आपकी बेटी होती है ना, तो उसका कान छेदन भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो रिंग सेरेमनी है वो हो चुकी है और उसी रात रथ जगा था भाभी के परोजन के फंक्शन के लिए। तो अभी भाभी ने देवों के आगे धोक लगाई है। हमारे यहाँ देव बिठाए जाते हैं कोई भी शुभ काम करने से पहले। और अब मेरी बारी आई है, जो भी ये थापे लगते हैं परोजन के उनको मैं सजाऊंगी और उसके बाद इनके सामने रात को पूजा होगी। पूरी रात रथ जगा होगा, गीत होंगे। हम लोग बच्चे हैं, हम लोग तो जाके बस पूजा करके धोक लगा के सो जाएंगे, बट जो बड़े लोग हैं वो लोग यहाँ पे बैठ के पूजा करेंगे, जैसे कि मम्मी हैं, बुआ हैं और जो घर की बड़ी लेडीज होती हैं वो पूरी रात जग के यहाँ पे पूजा करती हैं। तो ये रिचुअल होता है हम लोगों के यहाँ। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भाभी, जैसे शादी में भात लिया जाता है वैसे परोजन में भी भात होता है, तो भात का फंक्शन होगा। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। हमने परोजन पे रेड कलर की थीम रखी थी, सबने रेड कलर के आउटफिट्स पहने थे। तो ये मेरा लुक है, मैंने साड़ी पहनी थी। और ये मेरी भाभी हैं जो अपने भाई भाभी के साथ भात न्योत रही हैं। तो कुछ इस तरीके से ही भात न्योता जाता है, जैसे मम्मी ने लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था शादी में भात न्योता था, उसी तरीके से भाभी अपने भाइयों को इन्विटेशन दे रही है भात के लिए और उसके बाद यहीं पे भात लिया जाएगा। आप में से किस किस को पता है परोजन का फंक्शन, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। हम लोगों के यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगर बेटियाँ होती है ना, तो बेटियों की पियर्सिंग परोजन वाले दिन ही की जाती है। जैसे कि अगर भाभी की कोई बेटी होती तो उसकी ईयर पियर्सिंग आज के दिन ही की जाती। तो बस अभी भाभी ने भात न्योत दिया है, अब भात लेने की बारी है। जैसा आपने लास्ट व्लॉग में देखा था ना, मम्मी के भाइयों ने भात के टाइम पे मम्मी को चुनरी पहनाई थी, उसी तरीके से भाभी के भाई भी भाभी को चुनरी पहना रहे हैं भात में। और बस भात के फंक्शन के बाद भाभी की पूरी फैमिली यहाँ रूम में बैठ गई है और अब आंजले भरे जाएंगे। हमारे यहाँ पे चने, ड्राई फ्रूट्स एंड सिक्कों के आंजले भरे जाते हैं। जो भी आप लेडीज़ देख रहे हैं ना अभी जो प्रेजेंट हैं, वो एक एक करके आएंगी और अपनी झोली में भाभी के हाथ से इस तरीके से चने, ड्राई फ्रूट्स एंड सिक्के लेंगी। तो सबसे पहले मैं ही आ गई हूँ अपने पल्लू में आंजले लेने के लिए। और ये सारे जो आप देख रहे हैं वो मेरी ब्यूटीफुल मासी, नानियाँ और बुआ जी लोग हैं, चाची हैं। तो ये पूरी मेरी फैमिली है। और आज शादी वाला दिन है तो सुबह के टाइम पे परोजन का फंक्शन है। तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ प्रेजेंट थी सब ने एक एक करके आंजले भरवाए भाभी से। और अब मैं भैया भाभी का आरती करूँगी। आरती करते टाइम ना इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे गीत चल रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है, अभी आप सुनिएगा। आप में से किस किस को परोजन का फंक्शन पता है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो बस यहाँ पे परोजन हो चुका है, कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, सारे क्विक अपडेट्स आपको वहीं से मिलेंगे। और आपको मेरी रिंग सेरेमनी वाली ड्रेस लास्ट व्लॉग में बहुत पसंद आई थी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये सारी ड्रेसेस मेरी भाभी ने और मम्मी ने अरेंज करके रखी थी मेरे लिए, और सब स्टिचिंग एंड ऑल सब उन्होंने करवा के रखा था। ये है मेरा शादी का आउटफिट, आप लोग इसका भी बताना आपको ये लहंगा कैसा लगा। अब फिलहाल मेरे भाई की सेराबंदी होने जा रही है, शाम का टाइम है, अब आप आगे शादी की क्लिप्स एंजॉय करिए। तो सेराबंदी के टाइम पे फूफा जी और अंशुल दोनों उसको सेहरा पहना रहे हैं और यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा के साथ मेरा क्यूट सा भतीजा बैठा है जो कि बिंदायक बना है।
अब हो रही है दूल्हे की काजल घलाई की रस्म, जो कि भाभी करती है। हमारी तो बहुत ही प्यारी सी बड़ी भाभी है जो ये रस्म कर रही है। और भाभी ने ना काजल को बहुत सुंदर डेकोरेट किया था मोर पंखी से, तो और ज्यादा अच्छा लग रहा था जब काजल डल रही थी। तो यहाँ पे दूल्हे को काजल लगाई जाएगी, फिर उसको नजर का टीका लगाया जाएगा। कहते हैं दूल्हा दुल्हन को बहुत नजर लग जाती है, इसीलिए नजर का टीका लगाया जाता है दूल्हा और दुल्हन को। और अब मैं आ गई हूँ, मेरी बारी है आरता करने की। तो इधर बुआ जी करती हैं आरता या फिर बहन करती है, तो हम दोनों मिलके अपने भाई का आरता कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी उसकी नून राई करूंगी, नजर उतारूंगी और उसके लिए प्रे करूंगी कि वो अपनी दुल्हन अच्छे से लेकर आए। और ये है मेरी मम्मी जी। आप लोग पूछ रहे थे कि मेरे इन लॉज नहीं आए क्या शादी में, वो लोग आए थे, पापा ऊपर थे क्योंकि केशु की तबीयत ठीक नहीं थी तो पापा ज्यादा शादी में नहीं आ पाए थे, बट मम्मी आई थी, बहुत इंजॉय किया उन लोगों ने भी शादी को। अब मैं आपको अपने कुछ फ्रेंड से मिलवाती हूँ जो कि शादी पे आए थे। ये मेरी फ्रेंड है निकिता, जो अपनी फैमिली के साथ आई थी। ये मेरी स्कूल फ्रेंड है, हम लोग ना फोर्थ स्टैंडर्ड से साथ में पढ़ते थे और बचपन के दोस्त हैं। तो ये आई थी मिलने, शादी पे भी आई, बहुत अच्छा लगा। ये मेरे दो फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ मास्टर्स में थे। एक का नाम है नेहा, एक का नाम है अदिति। हमने बहुत मस्ती की, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई, एंड बहुत अच्छा लगता है अपने पुराने दोस्तों से मिलके। तो यहाँ पे अब बारात आ चुकी है, अब है कोरत का टाइम। हमारे यहाँ पे ना जयमाल से पहले दूल्हे की पूजा की जाती है लड़की वालों की तरफ से, उसे बोला जाता है कोरत। तो यहाँ पे सब जेंट्स बैठे हैं और भाई की कोरत ली जा रही है, उसके बाद हमारी ब्राइड की एंट्री होगी। तो ये है हमारी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी ब्राइड जो कि एंट्री ले रही है, और इसके बाद होगी जयमाल, वो आप इंजॉय करना। अपने भाई की शादी अटेंड करना वॉज लिटरली अ ड्रीम फॉर मी, स्पेशली कोविड के टाइम पे इतने सारे हर्डल्स को क्रॉस करके हम लोग उसकी शादी अटेंड करने आ पाए। आई वॉज रियली रियली हैप्पी एंड थैंकफुल। केशु की उस दिन थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, बट थैंकफुली उसको मेडिसिन देने के बाद वो परफेक्टली फाइन था और पूरे फेरे में हमारे साथ बैठा हुआ था। गोविंद काफ़ी टायर्ड था तो हमने सारे अपने छोटे छोटे बच्चों को सुला दिया था, बच्चे सो गए थे, हम लोगों ने फेरे फिर बहुत इंजॉय करे। इसका लिफाफा अलग मांग रहे हैं लोग, ये तो प्रिया की मोबाइल तो नहीं बना रहा। ये मेरी क्यूट सी मामी जी हैं जिनसे आप लास्ट व्लॉग में मिले थे, हमने इनका एक फनी सा क्लिप बना लिया था फेरे के टाइम पे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फेरे के टाइम पे ना इतनी ज़्यादा मस्ती होती है, इतने ज़्यादा मजाक होता है, बहुत मज़ा आता है। अभी फिलहाल हम दुल्हन का गठजोड़ा बांधेंगे जो कि भाई के हाथ में दिया जाएगा, और उसके बाद फिर फेरे स्टार्ट होंगे। तो ये सारे रिचुअल्स ना नंदे करती हैं, जो भी मैरिड नंदे होती हैं। तो यहाँ पे मेरी कज़न बहन है और मैं, हम दोनों मिलके भाभी का गठजोड़ा बांध रहे हैं, उनको ज्वेलरी पहना रहे हैं जो भी फेरे के टाइम पे पहनाई जाती है। और हमारे यहाँ पे ना दुल्हन को इस तरीके से मुकुट पहनाया जाता है फेरे के टाइम पे, तो वो हम बांधेंगे और उसके बाद आप फेरे की क्लिप्स एंजॉय करिएगा, बहुत मजा आता है। एक बहुत ही फन क्लिप है जो मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूंगी। नहीं साफ नहीं कर लिया
अपने स्थान में खड़े हो जाइएगा, अपने स्थान खड़े हो जाइएगा। आ जाओ आ जाओ, हाँ हाँ उसे तीन बार उसे पीछे तीन बार ओम हरि ओम ओम मरमन थोड़ा सा देना स्वाहा ओम राजा ओम परिक्रमा तावश्यम होता नाम जो नम स्वाहा ओम गुरु के वेदम मधुतम मुख्य भाग्यता शेषानंद रात्रि स्वाहा। पुनः अंगूठा पकड़िए, अंगूठा पकड़िए, अंगूठा पकड़िए, एक अंगूठा राइट हैंड से राइट राइट अंगूठा पकड़िए, अच्छा ऊपर दूधार को है नहीं लेकिन मान लीजिए दूधार दर्शन कर रहे हैं, चलिए थोड़ी आइए आप फिर उठिए आगे फिर वही पत्थर में रखना है आपको, ठीक है। ओम ज्ञान कांड पापा ने धर्मादक दाता ने शिवरात्रिभूतम यक्ष भाव्यमता शेषानुमदन्य नाप्रोति एतावासी मातोज्जायां कृपा पादुष विशाभूतान्ति पादुस्वामिकं दिवि पीछे उसे अभी तो नाचना शुरू हुआ है स्वाहा ओम मरियम सदाशिवे नारायण कृष्णाय नमः वासुदेवाय परमात्मने ज्योति श्री गोविंद ज्ञान कांति पापा ने धर्मादा में कृष्ण पदे पदे तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारे सारे रिचुअल्स पसंद आए और हमारी फैमिली की सेलिब्रेशन का पार्ट बन के आपको बहुत अच्छा लगा। फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी सेलिब्रेशन में आप लोगों को अपना पार्टनर बनाया, आप लोगों के साथ अपने भाई की शादी शेयर की। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी नई भाभी का घर में वेलकम और जो आफ्टर वेडिंग रिचुअल्स होते हैं वो सब शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स बिल्कुल छोड़ना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि आपको सारे क्विक अपडेट्स हमारे लाइफ के वहां से मिलते रहें। मैं आपको मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बहुत सारा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, टेक केयर, बाय बाय। और जरूर बताइएगा कि आपको हमारे नए दूल्हा दुल्हन कैसे लगे और मेरे सारे आउटफिट्स आपको वेडिंग वाले कैसे लगे। फिर से मुलाकात करते हैं एक और नए वीडियो में। टेक केयर, बाय।